नमस्कार, आज मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रही हूं जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। आपने साइबर क्राइम के बारे में तो सुना ही होगा, आए दिन हजारों लोग इसका शिकार होते हैं। इसी के चलते हरियाणा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों को कोविड-19 का मुफ्त इलाज या राशि की प्रतिपूर्ति का वादा करने वाली फिशिंग ईमेल के बारे में आगाह किया है। पुलिस ने नागरिकों को सतर्क करते हुए कहा है कि वे ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा करने से यूजर्स धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। क्या है फिशिंग ईमेल्स? फिशिंग भ्रामक ईमेल और वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने का एक तरीका है। फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है, जिसका उपयोग अक्सर यूजर्स के डेटा को चोरी करने के लिए किया जाता है। फिशिंग की गिरफ्त में आने के बाद व्यक्ति अपनी निजी जानकारी फिशर को दे देता है, या यूं कहें कि ऑटोमेटिक ही पूरी जानकारी फिशर के पास चली जाती है। ऐसी जानकारियों में व्यक्तिगत ईमेल का और पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके पासवर्ड, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी लीक हो जाती है। फिशिंग एक झील में मछली पकड़ने के समान है, लेकिन मछली पकड़ने के लिए कोशिश करने की बजाय फिशर्स आपके पर्सनल ईमेल्स चोरी करने का प्रयास करता है। फिशिंग अटैक आमतौर पर सोशल नेटवर्किंग टेक्निक्स पर भरोसा करते हैं, जो ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड पर लागू होता है, जिनमें सोशल नेटवर्क, SMS टैक्स और अन्य इंटरनेट मैसेजिंग मोड शामिल है। फिशिंग अटैक के प्राथमिक आक्रमण में पीड़ित का नाम, जॉब टाइटल और ईमेल एड्रेस के साथ ही उनके सहकारी और उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ के नामों का उल्लेख हो सकता है। फिशर्स पीड़ित की पर्सनल और काम की हिस्ट्री, उनकी रुचियों और एक्टिविटीज़ और बैकग्राउंड की जानकारी एकत्रण करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और अन्य पब्लिक सोर्स जैसे लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्कों का उपयोग कर सकते हैं। फिशिंग मैसेजेस में मॉलिशियस लिंक को भी इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि वह ओरिजिनल बैंक या ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। फिशिंग हमले की पहचान कैसे करें? फिशिंग अटैक अक्सर ईमेल, वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इन संदिग्ध ईमेल, कॉल या मैसेज पहचानने के तरीके हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। बैंक कभी भी आपके बैंक अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते, इसलिए यदि इन मेल्स, वॉइस या SMS में यह जानकारी मांगी जाती है तो यह फेक है। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी ऐसे साइबर क्राइम्स और ईमेल से बच के रहिए। बहुत सी ऐसे लिंक्स हैं जो हमारे व्हाट्सएप, हमारे मेल और हमारे SMS पर घूमते रहते हैं, जिनकी पहुँच हमारे पर्सनल डिटेल्स और हमारी पर्सनल बैंक अकाउंट्स तक हैं। और आप भी इस साइबर क्राइम से बच कर रहिए।